हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको बताऊंगा रेप की मात्रा वाले शब्दों को आसानी से अंग्रेजी में लिखने। पहले बताऊंगा छोटे छोटे शब्दों को अंग्रेजी में आसानी से लिखने, उसके बाद बड़े से बड़े शब्दों को आप किस प्रकार आसानी से लिख सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी सीख सके। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, देखिए कर्म क्या है। कर्म को मोरे, इसको क्या कर्म, कर्म इसमें बोलने में क्या आ रहा, रो आ रहा। पहले आपको को के लिए क्या लिखते हैं, के, तो के लिख देना है। के बिना मात्रा का है तो ए लग जाएगा। इसको बोलने देखिए कर्म, कर्म रेप का मात्रा क्या था, रो आ रहा, के ए आर हो जाएगा, के ए आर एम क्या बन गया, कर्म। क्योंकि कर्म बोलने में रो आ रहा, कर्म इसका मतलब रो होता, कर्म रेप का मतलब रो होता है, कर्म, तो के ए आर एम कर्म। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए क्या है, कर्ज, कर्ज इसमें भी वही होगा, के ए आर जे, इन रेप के लिए आपको हमेशा आर लगाना है, कर्ज। यहाँ क्या कर्जा क्या हो जाएगा, के ए आर कर्जा, तो जे ए जा कर्जा। यहाँ पर देखिए वर्ग, तो वो के लिए क्या लिखते हैं, भी, तो भी ए आर जी क्या बन गया, वर्ग। उसी प्रकार यहाँ क्या वर्ष, भी ए आर एस एच वर्ष, वर्ष भी ए आर एस एच वर्ष। यहाँ क्या वर्षा, इसमें वही हो जाएगा, भी ए आर एस एच ए वर्षा, क्योंकि मैं आ का मात्रा है तो वर्षा। रेप के लिए आपको हमेशा के लिए आर लगाना, वर्षा। तो चलिए इसे थोड़ा आप बड़ा बताते हैं। आगे क्या, पूर्वक संपर्क, तो पूर्वक लिखना, पूर्वक पी डबल ओ पूर्वक, पूर्व पी डबल ओ आर पूर्वक, पी डबल ओ आर भी ए के पूर्वक, के पी डबल ओ आर पूर्व, क्योंकि इसका मतलब आर आ रहा है, रो आ रहा है, इसलिए आर, वो के लिए भी एक है पूर्वक। यहाँ क्या है संपर्क, क्या संपर्क, तो सो के लिए क्या लिखते हैं, एस बिना मात्रा का है तो ए लग जाएगा, एस ए आधा मो है तो एस ए एम पी ए लग जाएगा, क्योंकि पूरा पो है, पी ए आर के क्या हो गया संपर्क, एस एम पी ए आर के संपर्क। यहाँ क्या कर्नल, यहाँ पे क्या कर्नल, कर्नल इसको कर्नल पढ़ते हैं, तो के ए आर कर नल, एन ए एल नल क्या बन गया कर्नल। यहाँ क्या कर्तव्य, इसको क्या पढ़ते हैं कर्तव्य, कर्तव्य तो के ए आर कर्तव्य, टी ए भी सॉरी भी होगा, टी ए भी वाय लास्ट में ए लग जाए, क्यों कर्तव्य, कर्तव्य के आर टी ए भी वाई क्या बन गया कर्तव्य। देखिए उससे भी बड़ा, यहाँ पे क्या है कर्मचारी, यहाँ पे क्या कार्यक्रम, कर्मचारी, तो आपको पहले कर्म लिखना उसके बाद चारी लिख देना, बस सिंपल हो जाएगा, आसान हो जाएगा, के ए आर एम कर्मचारी, चारी चारी सी एच ए आर आई कर्मचारी। यहाँ पर देखिए कार्यक्रम, पहले आपको कार्य लिख देना उसके बाद कर्म लिख देना, बन जाएगा छोटा सा, आप आसानी से लिख सकते हैं कार्य, के ए आर वाई ए कार्य क्रम, फिर को में आधारो है तो के आर ए एम क्रम कार्य क्रम। कितना आसान लग रहा, बड़े नाम है लेकिन बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है धार्मिक और अधर्मी, धार्मिक तो धो के लिए क्या लिखते हैं डी एच, तो डी एच ए आर धार्मिक, तो एम आई के क्या बन गया धार्मिक। अधर्मी अधर्मी है तो ए डी एच ए आर एम आई क्या बन गया अधर्मी। आगे देखिए क्या धर्मशाला मर्चेंट, धर्मशाला धो के लिए क्या लिखते हैं डी एच, डी एच ए आर एम बन गया यहाँ तक धर्म, उसके बाद साला है तो एस एच ए
एल ए धर्मशाला। यहाँ पर क्या मर्चेंट, तो मर्चेंट के लिए क्या लिखते हैं एम ए आर मर्चेंट, चौमे का है तो सी एच ई एन टी, क्या भैया मर्चेंट मर्चेंट। आगे क्या है ये तर्कशास्त्र दर्दनाशक, आपको पहले लिखना तर्क उसके बाद शास्त्र, तो पहले तर्क लिखते हैं तो टी ए आर के तर्क उसके बाद शास्त्र लिख देना आपको, तो एस एच ए एस टी आर ए तर्कशास्त्र तर्कशास्त्र। यहाँ पे इसलिए लगे क्योंकि ज़्यादा जोर लगे तर्कशास्त्र, तो रोक लिया टी आर ए तर्कशास्त्र। यहाँ पे क्या दर्द नाशक, तो आपको पहले दर्द लिखना है तो डी ए आर डी दर्द और उसके बाद नाशक है तो एन ए एस एच ए के दर्द नाशक। यहाँ पे ए नहीं लगे नहीं तो दर्दा नाशक हो जाता, तो डी ए आर डी दर्द एन ए एस एच ए के नाशक दर्द नाशक। तो आशा करती है वीडियो आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिएगा, और आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको इस प्रकार का वीडियो मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।